But yes, are there any sort of, as you mentioned, the patient care, किस तरह patients आते हैं in emergency situations, जब कुछ हो नहीं सकता इतना ज्यादा, and in a very critical stage. But are there any specific areas of patient care? Could be emergency medicine, could be chronic illness management, where EQ is particularly important and is very, very crucial. ऑफ कोर्स, आप देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर वन, हमारा ओवरऑल नेशन जो है ना एक इमोशनल नेशन है, और हमारा जो जो फैमिली सेटअप है ना वो इस तरह है कि इट्स नॉट अ वन मैन लिविंग अलोन, इट्स अ 10 पीपल लिविंग टुगेदर, एंड व्हेन समथिंग हैपेंस एवरीवन कम्स टू द इमरजेंसी, एंड नॉट ओनली दैट इवन मोहल्ले वाले लोग भी आ जाते हैं। तो हमारा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो चैलेंज होता है वो हमारे इमरजेंसी मेडिसिन में और ट्रॉमा मैनेजमेंट में, हमारी जो क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट है वहाँ पे बेसिकली हमारे एक डॉक्टर को एक बंदे से नहीं मल्टीपल लोगों से बात करनी पड़ती है। कभी इसको समझाओ, कभी उसको समझाओ, कभी अब इसको बताओ, अब उसको बताओ, वो एक्चुअली एग्जॉस्ट हो जाता है कि वो एक पेशेंट की केयर करे और साथ में चार चार अटेंडेंट्स को देखे। तो हमारा वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमारे इमरजेंसी मेडिसिन इज एक्चुअली इज अ बिग चैलेंज। एंड द बिगेस्ट द अदर साइड ऑफ द पुअर साइड ऑफ दिस इज कि हमारे डॉक्टर्स को इस चीज का वो एक्सपीरियंस जो है, लर्निंग जो है, वो खुद ही हिट एंड ट्रायल पे करते हैं। उनको प्रॉपर कोई लर्निंग नहीं दी जाती कि हाउ टू एक्चुअली मैनेज दिस सिचुएशन, बिकॉज हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जो एजुकेशन दी जाती है वो इतनी साइंटिफिक है कि उसमें जो ह्यूमन एलिमेंट्स हैं, जिसमें आपके सोशल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जैसे होगी वो कैसे करनी है, ब्रेकिंग बैड न्यूज़ कैसे करनी है, किसी क्रिटिकल सिचुएशन में किसी की अच्छी काउंसलिंग कैसे करनी है, ये चीज़ें इस तरह नहीं सिखाई जाती। मेडिकल एजुकेशन का वो हिस्सा नहीं है हमारे अंडर ग्रेड्स के करिकुलम में। तो वहाँ पे ये सिचुएशन, एक नंबर वन तो ये कि हमारे इमरजेंसी मेडिसिन में बहुत चैलेंजेस होते हैं। नंबर टू, हमारा जो पैलिएटिव केयर है ना उसके अंदर जो वहाँ पे पेशेंट का जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली अगेन वहाँ पे बड़ी डीप कन्वर्सेशन चाहिए होती है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, एक एम्पथेटिक कन्वर्सेशन करनी होती है। एंड बिकॉज हमारा चूंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड की वजह से हम शॉर्ट कम्युनिकेशन के आदि हो जाते हैं, तो हम जहाँ पे पैलिएटिव केयर में लॉन्ग कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, जब जहाँ पे एक पेशेंट के साथ आप बैठ के एक लॉन्ग सेटिंग करें, उसको एक अच्छा काउंसल करें, अच्छा ब्रीफ कर सकें, वो चूंकि आदत नहीं रहती तो इसलिए उसका वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। तो वहाँ पे पेशेंट चाह रहा होता है दैट समबडी लिसन टू मी, समबडी मेक्स मी अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सफरिंग दिस, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, एंड एट टाइम्स वी लैक कम्युनिकेटिंग दिस। सो वन थिंग इज इमरजेंसी मेडिसिन, द अदर एंड देन अनदर वेरी वेरी क्रिटिकल साइड इज पीडियाट्रिक पेशेंट्स। जब बच्चे आते हैं तो हमारे माशरे में माँ बाप जो है वो, पूरी दुनिया में होता है वैसे, माँ बाप जो है वो बड़े वो हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी बेसिकली एक पेरेंट्स को बताना, समझाना कि ये किस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं, हमें बच्चे को, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बच्चे की एलपी करनी है तो एलपी करनी है बिकॉज अगर उसको कोई सीजर हुआ है, और कुछ अगर हुआ है या उसको कोई हेड फॉल कुछ भी है, तो बेसिकली वो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी करने की जरूरत है। लेकिन एट टाइम्स पेरेंट्स उसको अंडरस्टैंड नहीं करते और वो बच्चे की बड़ी इंपॉर्टेंट जो एलपी होनी चाहिए वो नहीं करवाते, जिसकी वजह से बच्चे की लाइफ के ऊपर इफेक्ट आता है। तो हमारे बेसिकली मल्टीपल फैक्टर्स हैं जहाँ पे, मल्टीपल एरियाज हैं जहाँ पे हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत शदीद जरूरत पड़ती है। फिर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एंड ऑफ लाइफ। हमारे मुल्क में एंड ऑफ लाइफ केयर का कोई खास मैकेनिज्म नहीं है, बिकॉज वेस्ट में तो फिर भी एंड ऑफ लाइफ के कुछ सिस्टम बने हुए हैं कि क्या कम्युनिकेट करना है, कितना कम्युनिकेट करना है और कैसे कम्युनिकेट करना है। यहाँ पे चूंकि ऐसा कुछ नहीं है, इसकी कोई खास ट्रेनिंग नहीं होती कि एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट में आप मेडिकली कुछ नहीं कर पा रहे होते इतना, आपने जो करना होता है वो आपने इमोशनल इंटेलिजेंस को और कम्युनिकेशन को यूज करते हुए करना होता है, बिकॉज यहाँ पे शायद आपकी मेडिसिन का कोई खास एक्शन बचता नहीं है। ऑल दैट इज नीडेड नाउ इज अ गुड काउंसलिंग एंड अ गुड कम्युनिकेशन विद द पेशेंट एंड देयर अटेंडेंट्स।
तो ये एरियाज हैं जहां पे हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। एंड दैट इज अ वेरी ग्रेट इनसाइट बिकॉज यू नो दैट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन हाउ डॉक्टर्स लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के नेगेटिवली इम्पैक्ट यू नो पेशेंट्स ट्रीटमेंट एंड कम्युनिकेशन बिकॉज ये कितनी ज्यादा जरूरी है एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे ऑफ लो ईक्यू यू नो इन द हेल्थ केयर सेटिंग बेसिकली यू नो इज बेसिकली स्टीयर्ड बाय दैट एंड इट वन मोर थिंग दैट आई वुड रियली वॉन्ट टू आस्क यू एंड प्रोब बिकॉज एज यू सेड के कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज्यादा है जिस तरह हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग ईक्यू में नहीं किया जाती या इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में उनकी इतनी ज्यादा इसको इतना बढ़ाया नहीं जाता या इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दी जाती उसे कॉन्सिक्वेंसेस भी काफी होते हैं बट हाउ डू यू व्हाट डू यू थिंक लाइक हाउ डज इफेक्टिव कम्युनिकेशन यू नो फॉस्टर्ड बाय स्ट्रॉन्ग ईक्यू एंड स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस पेशेंट्स ट्रस्ट एंड एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट प्लान्स वो किस तरह से उसको करेगी इन्फ्लुएंस ज्यादा देखिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं, पेशेंट किसको बड़ा डॉक्टर मानता है? पेशेंट किसको कहता है बहुत बड़ा डॉक्टर है? नॉर्मली पेशेंट उसको बड़ा डॉक्टर समझता है या मानता है जो बेसिकली उसके साथ बैठ के उसकी बात सुने, उसकी बात को समझे और फिर उसको समझाए। क्योंकि पेशेंट का, देखिए तीन चीज़ें बहुत जरूरी है, सुनो, समझो, समझाओ। पेशेंट जब इस साइकिल से गुजरता है, देखता है कि मुझे किसी ने सुना है, मुझे समझा है, मेरे कंसर्न को जाना है, समझा, और फिर मुझे समझा रहा है, जब इस साइकिल को देखता है, कहता है वाओ दिस मैन अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम एंड नाउ ही इज मेकिंग मी अंडरस्टैंड कि मुझे अब क्या करना है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन और जो है ये बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट करती है, बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? सेल्फ मैनेजमेंट। राइट अगर एक एक अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर एक पेशेंट के साथ इस तरह से एक कम्युनिकेशन करता है, उसको अच्छा लिसन करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और उसको फिर उसकी डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प करता है, या अपना जो डिसीजन है उसको इस तरह से उसको समझा के लेके जाता है कि पेशेंट कहता है ओके ये आपका डिसीजन, मेरा डिसीजन, मेरा डिसीजन, आपका डिसीजन, जब वो ये चीज कनेक्ट होती है ना, तो यहाँ पे आके हम कहते हैं कि ओके ये रिलेशनशिप हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली यू कैन से वे ऑफ क्रिएटिंग योर डिसीजन इन टू दैम एंड मेकिंग इट अ म्यूचुअल डिसीजन। एंड वंस अगर वो चीज, अगर वो उसमें डिसीजन इम्पोज आ जाता है कि ओके ये इस डिसीजन में मेरा भी इतना ही मशवरा शामिल हुआ या मेरी बात को भी सुन के समझाया गया, तो पेशेंट कंप्लाइंस करता है, एडहेरेंस करता है, डॉक्टर की जो भी एडवाइजेस होती हैं उसके ऊपर चलता है। जब ये चीजें चलती हैं तो पेशेंट का आउटकम ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है, बिकॉज एक एंटीबायोटिक सजेस्ट करना और उसको कंप्लीट करना उसके साइकिल को इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजीज मैनेजमेंट। ये तभी पेशेंट करता है जब पेशेंट अपने डॉक्टर को बड़ा डॉक्टर मानते हुए ओन करता है। तो कम्युनिकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली एक डॉक्टर्स के लिए एक टूल है टू बिकम दैट काइंड ऑफ एक वो चीज़ उस पेशेंट के दिल में पैदा करने की कि ये बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो आई थिंक ये मैं एडवाइस करूंगा अपने यंग डॉक्टर्स को भी कि आपको अगर शॉर्टकट चाहिए बड़ा डॉक्टर जल्दी बनने का, तो अच्छी कम्युनिकेशन शुरू कर दें, बहुत जल्द आप बड़े डॉक्टर बन जाएंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिकॉज अब मेरा ख्याल हम सेफली कह सकते हैं कि इम्प्रूव कम्युनिकेशन यू नो थ्रू ईक्यू स्किल्स कैन इफेक्टिवली इम्पैक्ट पेशेंट आउटकम एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्स राइट बट जिस तरह हम ग्लोबली यू नो हमने देखा है कि कुछ काफी रिसर्चेस हुई भी हैं जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सॉरी इमोशनल क्वेश्चन एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन के नेक्सस के दरमियान में हुई भी है उनके कोरिलेशन की उसका इम्पैक्ट क्या है वगैरह सो आर देयर एनी लाइक स्टडीज कंडक्टेड इन पाकिस्तान दैट इलस्ट्रेट द लिंक बिटवीन ईक्यू एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन एंड आउटकम अगर हम उसके बारे में आप हमें बता सकें कुछ कि पाकिस्तान में कुछ इस तरह का काम हुआ हुआ भी है कि नहीं हुआ अभी तक ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को इतना भी हमारे बुरे हालात नहीं है, हमारे हालात बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान में काम होता रहा है, पीपल बिल्कुल डू रियलाइज एंड देयर हैव बीन मेनी स्टडीज ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन पेशेंट केयर, इसके ऊपर बहुत स्टडीज हुई हैं। सिर्फ चक्कर यह है कि हमारे मुल्क में जो स्टडीज होती हैं उनका कोई एक आउटकम जो है उसका कोई सिस्टम मैकेनिज्म नहीं है कि वो कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे पॉलिसी मेकर्स को प्रेजेंट किया जाए कि दिस इज द स्टडी एंड दिस इज व्हाट इट इट रिफ्लेक्ट्स
एंड दिस इज व्हाट वी नीड, इस तरह का प्लेटफॉर्म होने की वजह से वो स्टडी सारी जो है वो सारी आप समझें कि होके हवा में चली जाती है। जबकि वेस्ट में क्या होता है कि इस तरह की स्टडीज के ऊपर प्रॉपर एक्शन लिए जाते हैं, तो हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हाँ बता, ये जरूर है कि हमारे मुल्क में बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स भी हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुरुज हैं जो स्टडी करवाते हैं या फिर वो उनको अपने डिपार्टमेंट्स में इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन वो कितना है, वो बिट एंड पीसीज में काम होता है। ठीक है, या एट अ लार्जर स्केल गवर्नमेंट लेवल पे, या कभी किसी मेजर लेवल पे कभी कोई स्टडी नहीं हुई जिसकी वजह से कोई इम्पैक्ट आया हो। हाँ इंडिविजुअल लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे स्टडीज हुई हैं, और उन स्टडी से ये साफ क्लियरली नज़र आया है, अंडरस्टैंड किया गया है कि कम्युनिकेशन स्किल ये हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट है। और जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको तो मिलके मेरी आधी बीमारी दूर होगी, आधी बीमारी बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल से होती है दूर, और इसके ऊपर स्टडीज हुई हैं कि क्या बिल्कुल कम्युनिकेशन की वजह से क्या पेशेंट की हेल्थ आउटकम बेहतर हुए, और इसके ऊपर बिल्कुल ये इससे रिलेटेड मटेरियल मौजूद है, लेकिन प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। दिस इज अ प्रॉब्लम। नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज इवन इन द स्टार्ट ऑफ आवर वेबकास्ट आई डिड मेंशन के यू नो डिफरेंट रिसर्चेस हुई भी हैं, इवन मिथ रिडक्शन की भी रिसर्चेस हुई भी, हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस यू नो इज इफेक्ट, और कैसे एकेडेमिया में बेसिकली किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उसके ऊपर भी काफी रिसर्चेस हुई है. सो दैट वाज लाइक अ ग्रेटर इनसाइट टू आवर ऑडियंस एज वेल, यू नो कि हुई भी है, बट द लैब और द कैप वुड बेसिकली बी इन द मिडल, कि रिसर्च हो गई है बट यू नो उनकी पॉलिसी मेकिंग के दरमियान के अंदर गैप कितना है. So I think this is what we need to work on and actually implement in practice. But sir, अगर हम उनके मेडिकल स्कूल्स की बात करें या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें पाकिस्तान में, so what do you think, like what strategies can these institutes in Pakistan implement to improve EQ for future doctors, या even like the upcoming doctors जो भी आ रहे हैं अभी हमारे? देखिए, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं ना, वहाँ पे अव्वल तो सबसे पहली बात यह कि अंडर ग्रेड्स के करिकुलम में इमोशनल इंटेलिजेंस का अभी तक कोई खास करिकुलम में कोई एडिशन नहीं है। हालांकि चीज़ें सारी इसके अराउंड ही चल रही होती हैं, अगर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब चीज़ें जब पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ तो पेशेंट के सिस्टम्स के मुतालिक ही रहे ना सब कुछ, लेकिन पेशेंट की जो आप कह रहे हैं साइको सोशल मैनेजमेंट है उसके मतलब जो जो थोड़ा बहुत सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता। तो वहाँ पे डेफिनेटली अंडर ग्रेड्स के लेवल पे ज़रूरत है कि वो कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स को और ऐड करें। जो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी डन इज एक्चुअली जो टीचर्स हैं उनको रोल मॉडलिंग करने की ज़रूरत है कि वो रोल मॉडलिंग करें और अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो आने वाले फ्यूचर के डॉक्टर्स हैं उनको दिखाएं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है पेशेंट के हेल्थ आउटकम के ऊपर। जो आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, वो आजकल के दौर के बच्चे वैसे नहीं रहे जो 60s या 70s में थे। आजकल के दौर के बच्चे बहुत अंडरस्टैंडिंग उनकी बेहतर है कि दे अंडरस्टैंड के कम्युनिकेशन और ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एक इम्पैक्ट मौजूद है। बिकॉज बहुत सारे हमारे पिछले आप कह लें कि 20 years में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा खुले, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने पाकिस्तान से बाहर जाने के भी प्लान बनाए। प्लैब्स एंड यूएसएमएलईज के साथ लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया कि वो पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो दे रियलाइज कि हमने अगर बाहर जाना है तो बाहर तो हमारी कम्युनिकेशन और हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इसको तो बहुत वो डीपली स्टडी करते हैं जिसकी बेसिस पे वो एडमिशन देते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कह लें कि ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज क्या हुई है कि वो जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं उन लोगों की रियलाइजेशन कम्युनिकेशन की और इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से जो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता एक वेव क्रिएट हो रही है कि पीपल डू अंडरस्टैंड दैट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस हैज सम रोल टू प्ले इन द बेटर हेल्थ आउटकम एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल सर, ग्रेट सजेशंस, बिकॉज एकेडेमिया, ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, ऑल ऑफ दीज आर यू नो रियली रियली नीडेड एंड रिक्वायर्ड, ताकि वो बेटर यू नो इफेक्टिव किया जा सके, मोर एम्फेटिक बनाया जा सके.